नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे यूपी में सब कुछ ठीक तो है ना। बीजेपी कार्य समिति की जब से बैठक हुई है, बैठक के बाद एक एक करके बगावती सुर भी जो है बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा होता है के बयान के बाद आत्मविश्वास पर बात आ गई और इसके बाद संजय निषाद ने सारा कसूर बुलडोजर को ठहरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। इससे पहले एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आपको नौकर साहू की साजिशों से बचना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक और देखा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व और डैमेज कंट्रोल कर यूपी में होने वाले आगामी उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति में अभी से जुट गया है। दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी को अपने ही नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री मोती सिंह और बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने भले ही अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन हालांकि इसी क्रम में बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर सवाल कर दिया कि बीजेपी एमएलसी ने यह भी पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गए। इसके साथ ही ऑनलाइन हाजिरी के निर्णय को वापस लेने के साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली पर विचार करने की भी मांग की। बता दें कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का पत्र जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकसभा सीटें घटने की वजह के तौर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का सवाल उठाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का साथ मिल गया है। यूपी में सपा से कम लोकसभा सीटें जीतने के कारण तलाश रही है। भाजपा में हार के कारण पर नेताओं के अलग अलग जो नजरिए हैं, नजरिए के कारण गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। संजय निषाद ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वह पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तभी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में संजय निषाद की बातों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि खासतौर पर पिछड़ों को लामबंद किया। संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भेंट कर मीडिया से कहा कि तमाम अधिकारी सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये अधिकारी साइकिल हाथी व पंजा वालों की बातें सुन रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा तो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कैसे करेगा। संजय निषाद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप बुलडोजर चलवाएंगे तो लोगों के घर गिराएंगे तो वोट कौन देगा। संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन बनाम सरकार वाले बयान का समर्थन करते हुए उनके सुर में सुर मिलाया और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए संगठन कार्यकर्ता से बनता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। तो सरकार बनती है और कैबिनेट मंत्री, चूंकि देखा जा रहा है कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते जिससे चुनाव में नुकसान हुआ है। संजय निषाद ने अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर भी कहा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान नहीं दिया, रंगबाज हैं और मौका आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। ये बड़े जो बयान है संजय निषाद की ओर से कहे गए हैं। हालांकि क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है और संजय निषाद ने क्या कहा है, आत्मविश्वास पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाएंगे। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। यहां लोग आ जाता है
मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा संगठन सरकार से बड़ा है। देखिए बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या, ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपते हैं और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो वो तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में, उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। विश्वास पर बात की कि अति आत्मविश्वास भी भारी पड़ जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संजय निषाद ने कहा कि अगर गरीब के घर में बुलडोजर चलाएंगे तो खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये तीनों ही बड़े बयान हैं और अंदर खाने में घमासान भी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है कि अंदर खाने इतना ज्यादा जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन बगावती जो सुर की अगर बात कर लें तो बगावती सुर एक साथ कैसे मिल रहे हैं? क्या इसी बात का इंतजार था? क्या कोई साजिश रची जा रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिस तरह से सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि ये साजिश है, षड्यंत्र है, इसका पता लगाएंगे? और इसी के साथ ही साथ जो देखा गया जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो देखी गई कार्य समिति की बैठक में, लेकिन कार्य समिति की बैठक में बगावती सुर भी देखने को मिले। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया कि संगठन सबसे बड़ा होता है चाहे वो सरकार हो या कोई हो, तो खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तो उपचुनाव की भी जो डेट है वो नहीं आई है, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसा क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे साथ अनीस अंसारी बीजेपी नेता हैं और आनंद राय सपा नेता हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनीस अंसारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है कि और कुछ भी बाकी है या किसी तरह की अनबन है या किसी भविष्य की ऐसी कल्पना की जाए कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है? जहां तक संगठन का सवाल है, संगठन सर्वोपरि होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए। इसमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कोई बोला तो कहा नहीं कि संगठन सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि होता है सभी का। संगठन अगर मजबूत है तभी आप सरकार बना पाएंगे, तभी आप विधायक जिता पाएंगे, तभी आप कोई सांसद जिता पाएंगे, ब्लॉक प्रमुख ग्राम प्रधान भी आप तभी बना पाएंगे जब आपके वर्कर आपके कार्यकर्ता मजबूत है, आपका संगठन मजबूत है। तो इसमें मतलब कोई दो राय नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने। दूसरा अचानक से कार्य समिति की बैठक में इस तरह से बोल देना, पहले तो ऐसे बयान नहीं देखे गए केशव प्रसाद मौर्य के। नहीं, आपको बुरा मत मानना वंदना जी, आपको भारतीय जनता पार्टी संगठन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहता आया है कि संगठन सर्वोपरि। मैं वही भाषा संगठन आप संगठन सर्वोपरि आप मुझे ये बताइए अनिश जी, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे संगठन के बारे में मत बताइए, पहले सुनिए मेरी बात। आप मुझे संगठन के बारे में जानकारी मत दीजिए कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। आप स्वयं खुद बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरह से ये बयान आया क्या मायने रखता है। इसी तरह से संजय निषाद का भी ये बयान आया कि बुलडोजर नीति को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि बुलडोजर अगर चलाएंगे गरीब के घर में तो नतीजा तो यही आएगा, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या संगठन है आपके यहाँ? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बुलडोजर नीति को लेकर के तो तमाम जगह इतनी हो हल्ला मचा हुआ था, बड़ी तारीफें हो रही थी, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बुलडोजर को लेकर के ही विवाद होने लगा आप ही के संगठन में? नहीं, हमारे संगठन में कोई विवाद नहीं हो रहा। संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, एनडीए का एक हिस्सा है, अलग बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। बुलडोजर को लेके आम जनता की राय लीजिए ना, आम जनता तो खुश है। कौन सी जनता खुश है जरा आप ये बता दीजिए, माफियाओं पे चलता है? कौन सी जनता खुश है माफिया के खिलाफ? तो बात की बात करेंगे, पहले जनता की बात कर लें। आप बताइए कौन सी जनता खुश है आपके इस बुलडोजर की नीति को लेकर के? लगातार हम खबर चलाते आ रहे हैं, रोना धोना देखा गया, जो पीड़ित थे वो कितना रोते रहे, लेकिन आप बुलडोजर चलाते रहे, कौन खुश था? ये गुंडा माफियाओं पे चलते हैं बुलडोजर और चलते आ रहे हैं। क्या गुंडा माफिया, अगर एक व्यक्ति गुंडा माफिया है तो क्या पूरा परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी? पूरे परिवार को आप उसी लाइन पर लाके खड़ा कर देंगे कि सभी गुंडा माफिया ही हैं?
जो है उन पर चले हैं अरे कौन है मैं जानना चाहूंगी ना फिर। ये आपने देखे तो आप तो एक इतना बड़े चैनल पे बैठी हैं आप। अरे तो मुझे मत बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या एक व्यक्ति अगर गुंडा माफिया है तो क्या पूरा परिवार गुंडा माफिया हो जाएगा? पूरे परिवार, पूरा पूरे परिवार को आप सजा देंगे? संपत्ति कहाँ से आई? वो माफियागिरी से तो संपत्ति को ही तो नष्ट कर रहे हैं। परिवार को सजा क्यों? ये मैं जानना चाह रही हूँ, परिवार को सजा क्यों? अगर आप बुलडोजर की ही बात इतनी तारीफ कर रहे हैं तो संजय निषाद ने स्वयं बोला है, हमने तो नहीं बोला। संजय निषाद देखिए उनके व्यक्तिगत विचार हैं वंदना जी। व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा है। तो वो उनकी तो एनडीए और बीजेपी अलग अलग है, हम मान रहे हैं। बीजेपी बीजेपी है, एनडीए बीजेपी अलग अलग है, निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी निषाद पार्टी है। तो एनडीए बीजेपी को आप अलग अलग देखते हैं? ये बताइए पहले, अगर आप अलग अलग देखते हैं तो सवाल दूसरा आपसे उठना शुरू हो जाएगा। अगर एक है तो इसका जवाब दीजिए। एनडीए का हिस्सा है वो। तो एनडीए बीजेपी अलग अलग है कि एक है, ये बताइए। नहीं एक ही है, अलग अलग क्यों है? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है? एनडीए का हिस्सा, चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं दोबारा वापस। आनंद राय जी आप ही बताइए कि जिस तरह से ये अंदर खाने में चल तो रहा है, सारे नोक झोंक देखी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी संजय निषाद ने कहा कि जो अधिकारी है वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं। सरकार आपकी अधिकारी, आप पोस्ट करते हो ठीक है, और अधिकारी हमारा कैसे हो सकता है? आपने पोस्टिंग दिया, मान लीजिए पीसीएस चाहे आईएएस जो होते हैं, आप चुन चुन के पोस्ट करते हो कि चलिए हमारा काम करेगा, अच्छे से काम करेंगे, तो पहली बात तो हमारा कैसे हो सकता है? सरकार आपकी है। दूसरी बात, तभी अंसारी साहब एक बड़ी बात कहे कि संगठन के लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। केशव मौर्य जी ने कहा संगठन के लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट आया। तो मैं इनसे पूछना कि संगठन कमजोर कौन कर रहा है, ये ही बताएं बीजेपी नेता कि जब संगठन कमजोर कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आपको आरोप लगाइए ना खुल के कि हम योगी आदित्यनाथ कमजोर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना है, तो खुल के उनके ऊपर आरोप लगाए, क्यों पीछे पीछे से दांव खेल रहे हैं? केशव मौर्य जी ने बड़े बहुत ही मजबूती से अपनी बातों को रखा, तो मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि बीजेपी के भी नेता हम लोग के साथी मित्र साथ साथ के लोग हैं। मान लीजिए छात्र राजनीति में तो हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति की है, और कुछ लोग बीजेपी की राजनीति की है, तो वो लोग हमारे टच में रहते हैं, वो कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, इनका कहना बिल्कुल ठीक है, तो कौन नहीं सुनने दे रहा है? पहले इनसे इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है अनिल जी, आप जवाब दे दीजिए। आनंद जी जो पूछ रहे हैं, संगठन की बात कर रहे थे, आप संगठन का जवाब दे दीजिए। इन्हें इन्हें अपनी पार्टी का ज्ञान हो सकता है, हमारी पार्टी का ज्ञान नहीं है, ठीक है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम जो सच्चाई होती है उन बातों पर कार्य करते हैं, उसी पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमारी दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, केंद्र में हमने देखिए आपके सामने तीसरी बार सरकार। संगठन कमजोर हुआ तो कौन कर कमजोर? बीच में अपनी आदत सुधारिए, बीच में नहीं बोलते। नहीं आदत नहीं सुधारना, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे भैया, तो मैं आपसे ज्यादा तेज बोलता हूँ। नहीं ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप ही की बात का, आपकी बात का मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा संगठन कमजोर हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी कहे, तो कर कौन रहा है? नहीं हो रहा है संगठन कमजोर, आज भी आपसे बड़ा संगठन हमारा है, आज भी सभा सपा और कांग्रेस से बड़ा संगठन हमारा है। आप कहाँ हो? एक छोटी सी छोटे से आधे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप हो, बाकी आप कहीं नहीं हो। आप उत्तर प्रदेश को छोटा सा राज्य कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोटा सा राज्य कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश आपसे फिसलता जा रहा है और आप छोटा सा राज्य बता रहे हैं। सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही टिकी रहती हैं और आप छोटा सा राज्य बता रहे हैं। हम छोटा सा राज्य नहीं बता रहे हैं। आप वंदना जी मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मत बोलिएगा, आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिपीट करिए दोबारा उसको जो मैंने कहा है। मैंने कहा आप उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह पे आप समाजवादी पार्टी को लिए बैठे हैं, मैंने ये कहा है। आप कौन सी छोटी जगह है? छोटी जगह क्या है? अपनी बात, मेरी बात, आप छोटी जगह क्या है आप यही बता दीजिए,
कौन सी छोटी जगह है? आवाज कम आती हो आपको? हमें आवाज आ रही है आपकी, आप छोटी सी जगह बताइए कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से में समाजवादी पार्टी है, ये कहा मैंने, आपने उत्तर प्रदेश को भी छोटा तो कर दिया। यही तो बात है कि इस बार तो समाजवादी के पार्टी का जो जलवा है वो देखने को मिला है, क्योंकि आप अपने अंदर खाने जो चल रही है चीजें उसको ना तो समेट रहे हैं ना ही आप उसको मान रहे हैं। मुझे बोलने दें, या तो आप बोलने या मुझे बोलने दें। आपने जो क्वेश्चन दिया उत्तर भी ले लें। आप कहां ले रही हैं? आप सुन कह रही हैं? मुझे लग रहा है सपा प्रवक्ता की जगह आप ही हैं आज। हमें जरूरत नहीं है सपा प्रवक्ता बनने की, हम तो निष्पक्ष बात करेंगे। आप तो वो सारी बातें मुझसे जो पूछ रही हैं उनके जवाब तो ले लीजिए। आप बीच में टोकाटाई करेंगे मैं कैसे बता पाऊंगा? ठीक है बात पूरी करिए आप। देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक संविधान की प्रति लेके इन्होंने जगह जगह ये लोग गए, गलत नैरेटिव इन्होंने फैलाया सपा ने और कांग्रेस ने। इनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धारा 44 जो है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? ये हम संविधान की वो धारा लागू करना चाह रहे हैं, देंगे ये सपा वाले कांग्रेस वाले? नहीं दे सकते, इनके पार्टी के नेता इन्हें निकाल के बाहर कर देंगे। सुनिए अनीश जी, बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है इस पर हो रही है। आप CA NRC धारा 376 और दुनिया की बातें कर रहे हैं। संविधान के संवैधानिक रूप से कार्य हमने किए, असंवैधानिक कार्य तो हम संविधान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है इसकी बात बताइए। संगठन बनाम सरकार पर आ गई है बात, इस पर बात करिए आप। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, अचानक से ऐसा उद्गम होता नजर आ रहा है बयानों का केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोले हैं, पूरा लोकसभा का जो चुनाव हो चुका है किसी तरह का बयान ऐसा नहीं आया। अचानक से इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जाए अनिल जी, आप इसका बताइए उत्तर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेसिक कार्यकर्ता है, भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो शुरू से ही जानता है और आज भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि माना गया है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। अगर इस बात को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? उन्होंने सही कहा, संगठन बड़ा होता है, संगठन से ही सरकारें बनती हैं। हो सकता है सपा कांग्रेस में सरकारों से संगठन चलते ठीक है जैसा जी, हम आपके पास लौटेंगे अब आपके पास। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं, लौटेंगे हम आपके पास। विजय जी, जिस तरह से बात हो रही है संगठन बनाम सरकार के उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बंदना जी मुझे पहले पूरी बात करने दीजिए, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। ठीक है, थोड़ा कम समय लेते हुए आप अपनी बात पूरी करिएगा। अनिश जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। अनीश जी आप अपनी बात पूरी करिए, कह रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। आपकी आवाज अनीश जी नहीं आ पा रही है, जुड़ेंगे आपके पास, दोबारा लौटेंगे। विजय जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हल्ला बोल तो देखा गया, अंदर खाने में हलचल देखी जा रही है बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बात करें कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक में जेपी नड्डा ने भी आत्मविश्वास को लेकर कहा कि हाँ संयमित करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अति आत्मविश्वास जो होता है वो घातक होता है और उसे समेटने की जरूरत है, हमारे कुनबे में जो चल रहा है उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य की ओर से तब आया जब बैठक की गई, इससे पहले किसी तरह का बयान नहीं आ रहा था। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और क्या चल रहा है आखिर अंदर खाने में, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही उपचुनाव भी होना है। अभी डेट तो नहीं आई है लेकिन चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले ही ये अंदर खाने में हलचल देखी जा रही है। जी बंदरा जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनावों से अपेक्षा कर रही थी और जो उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो उससे काफी पीछे रह गई। और ये असल में खासतौर पे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो तीसरा चुनाव लोकसभा का जो हुआ है, मैं खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ,
उसमें उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मिला है वो बहुत ठीक ठाक रहा, कभी भी वो 60 के नीचे नहीं उतरे। लेकिन इस बार की जो मैंडेट है उत्तर प्रदेश के लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंताजनक है और वो सोचनीय है कि भाई आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अब कौन सी दिशा है और जो लोगों को लोगों ने निर्धारित कर दिए है या लोगों को इनकी बातें पसंद नहीं आ रही है। तो पार्टी में जब इस प्रकार के उठा पटक होंगे तो निश्चित तौर पे नेताओं के बयान भी डिफरेंट होंगे और जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी अभी तक सरफेस नहीं थी और जो बातें क्लियर कट सामने नहीं आ रहे थे अब उसमें यह है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य चूंकि इसके पहले वो लोकसभा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और एक प्रकार से जो जिस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का मौका मिला तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और एक दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके पास जो पीडीए का जो नारा है उसमें यही माना जा रहा है या जो पार्टी क्लेम करती है कि भाई हमने जो है ओबीसी और पिछड़ों को साथ लिया तो वो वर्ग अब हमारे साथ है और वो वर्ग जो कि हमारे साथ है इसलिए हमारे पास में जो है वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं और निचले खासतौर पर दलित ओबीसी या एसएसटी वाला जो वोट बैंक है उसके ऊपर हमने अपनी जो है पकड़ मजबूत कर ली है। अब ये दावा असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो थोड़ा भारी पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि चूंकि अब समाजवादी पार्टी का एक मजबूती के साथ उभरी है लोकसभा चुनाव में तो वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश की जीविकाई है उसके लिए थोड़ा सा ये दबाव बनाने वाला है। इस वक्त पार्टी दबाव में राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर है और उसमें अब जो बातें हो रही हैं कि भाई अब हमलावर हो रहा है एक गुट दूसरे के ऊपर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पार्टी इसको मैनेज कैसे करती है। और जहां तक बात ये उपचुनाव की है तो उपचुनाव में देखिए जो 5 सीटें हैं वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें हैं जिससे कि विधायक की छोड़ करके वो नेता सांसद बने हैं इस वक्त और वो अपने क्षेत्रों में जीते हैं। तो मान लीजिए अगर 10 सीटें का उपचुनाव होता भी है तो इसमें जो 5 सीटें जो कि ऑलरेडी भारतीय समाजवादी पार्टी की अपनी सिटिंग सीटें थी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई उन 5 सीटों पे 10 में से अगर मैं 5 का हिसाब आपको बताऊं तो 5 क्या भारतीय जनता पार्टी उन सिटिंग सांसदों की सीटों को क्या कैप्चर कर पाएगी? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी गणित लगा रही, जातिगत समीकरणों को सेट कर रही है, लेकिन वो चूंकि समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें हैं और वो विधायक सांसद बने हैं तो उन सीटों के लिए बहुत टफ फाइट होगी। और समाजवादी पार्टी भाई अगर मैं कहूं कि करौल जीतने की बात अगर कोई करेगा तो करौल जीतने के लिए उसको वहां से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को कितना टर्न करना पड़ेगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और उनको टर्न करने में कितना समय लगेगा यह भी पार्टी को सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि जो 2027 की बात कही जा रही है, देखिए एक टर्म योगी आदित्यनाथ ने ऑलरेडी 5 साल का पूरा किया हुआ है और 3 साल की उनकी सरकार ऑलरेडी दूसरे टर्म में भी चल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश को साधने के लिए किसी दूसरे चेहरे की जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, या वो मुख्यमंत्री जो अभी सिटिंग है क्या वो जिस प्रकार के पार्टी के अंदर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो है वो प्रशासन में नहीं चल रही है, वो लोगों की समस्याएं हल नहीं करा पा रहे हैं और जो समाज जो 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 प्रशासन है राज्य प्रशासन है उसमें समाजवाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो ये सब ये जो आरोप जो संगठन वाली बात जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही है वो यही है कि भाई संगठन सरकार से बड़ा होता तो सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं है। और जहां तक बात योगी आदित्यनाथ के बयान की है कि भाई उन्होंने कहा हम अति आत्मविश्वास में थे, तो भाई अति आत्मविश्वास का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो घर पे बैठ जाएगा। अति आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोगों को लगता है कि सब सीटें केवल उन्हीं के नाम पे जीतेंगे और उन्हें कुछ नहीं करना होगा, तो ऐसा जो है लोकतंत्र में संभव नहीं है। और पार्टी कार्यकर्ताओं पार्टी कैडर को आप जब तक कि मोबिलाइज नहीं करते वो एक्टिव नहीं होता है और जो वो चाहता है एक प्रकार से जो पार्टी के लोग महसूस कर रहे हैं
उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, और जो फिजा अभी बदली है, जो मुद्दे उभर के आए हैं, उन मुद्दों का भी जवाब देना होगा। कारण यह है कि वो लोगों के मुद्दे हैं, वो आम जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात कर ली जाए या बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस लोकसभा चुनाव में उठे हैं, आप सबकी जानकारी में है। तो अब उन मुद्दों पे पार्टी क्या स्टैंड लेती है, कैसे लोगों को जवाब देती है, ये बड़ा आवश्यक है। लेकिन इस बीच में अगर कोई अपना मतलब साधना चाहता है और पार्टी में जो गुटबाजी नजर आ रही है वो साफ जो यही विजय जी यही सवाल है, सबसे बड़ा यही सवाल है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह के बयान एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं और सुर में सुर मिलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा तो संजय निषाद ने हामी भर दी और हामी जताते हुए बुलडोजर की बात कहने लगे, तो क्या लगता है क्या इसी बात को हम अनीस जी से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टारगेट कर रहे हैं, जो अपना कह सकते हैं कि कोई ना कोई बात जरूर होगी, क्या उनका व्यक्तिगत कोई मसला है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ के होते हुए उनके वो व्यक्तिगत मसले हल नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है? वंदना जी, अभी 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बैठक हुई। उस कार्य समिति में लगभग 3000 कार्यकर्ता, बड़े से लेकर छोटे, छोटे बड़े स्तर के सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित थे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। उस बैठक में सभी हमारे नेताओं ने, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें कि योगी जी ने अपने विचार रखे, डिप्टी सीएम साहब ने अपने विचार रखे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे। वो हमारे घर परिवार की बैठक थी, भाजपा परिवार की बैठक थी, उसमें बैठ के हमने क्या बातें की, क्या नहीं कही, और कोई छुपाने वाली बात तो थी नहीं। हम अपनी बात अपनी कार्य समिति में कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को जो संगठन के हिसाब से अच्छा लगा उन्होंने वो कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो देखा, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने कहा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी कुर्सी हटा रहा है, कोई किसी के खिलाफ खड़ा हो गया, कोई किसी के विरोध बोल रहा है। अब मेरे बूथ पे अगर 20 वोट पिछली बार की अपेक्षा कम आती हैं अगर, तो क्या मेरे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता मुझसे कहेंगे नहीं, मुझसे कहेंगे कि भाई पिछली बार की अपेक्षा इस बार 20 वोट कम आई है, ऐसा क्यों हुआ, उसका कोई कारण? तो उस कारणों को पता लगाने के लिए, यहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात है, उत्तर प्रदेश की बात थी, कि वहां पर कारण पता लगाने के लिए कार्य समिति की बैठक भी हुई। उसमें जो आगे के निर्णय होने थे वो भी हुए। उसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कुर्सी पे, किसी पे टिप्पणी, किसी पे एक बात जानना चाहेंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि वो जाहिर सी बात है, जब कुछ बिगड़ता है तो आप घर में संभालने की कोशिश की जाती है, जो मुखिया होता है वो संभालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो जनता पूछ रही है, ये मेरी तरफ से नहीं है, सभी का सवाल है कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने अनुप्रिया पटेल का देखा गया, जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा बकायदे सीएम योगी आदित्यनाथ को, आरक्षण को लेकर के बात उठाई, बगावती सुर वहां से शुरू हो चुके थे, संजय निषाद ने बुलडोजर को उठा दिया, हालांकि लगातार सीएम योगी हर तबके को देखते नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद का इस तरह के बयान आ जाना, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले बोला था क्या वो सही होता नजर आ रहा है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा, सत्ता पर बीजेपी आएगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात शुरू हो जाएगी, क्या वही पिक्चर दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी ने जो पत्र दिया उनको अधिकार है, उन्हें पत्र देने का, अपनी बात कहने का, उत्तर प्रदेश के या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से बात कहने का अधिकार है उन्हें। वो किसी सपा नेता को या कांग्रेस नेता को तो पत्र नहीं लिखेंगे ना। वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए उन्हें कुछ लगा कि कहीं ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, ये तो अपनी राय तो हर किसी को, मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मुझे भी अधिकार है कि मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड पर लिख के दूँ, अपनी राय पेश करूँ, तो ये कहना गलत है। दूसरी बात, अगर बात आती है संगठन को लेके, देखिए संगठन भारतीय जनता पार्टी में, फिर कहूँगा वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन को सिरमौर माना गया है, संगठन बड़ा है, संगठन अगर निर्णय लेता है, संगठन अगर निर्णय लेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि हमें कहीं का सीएम बदलना है, तो उसमें ये नहीं है कि वो नाराज हो गए, उन्हें नाराज हो गए, आपने उदाहरण है आपके सामने, आप देख लीजिए
राजस्थान देख लीजिए। और तो क्या आपके इस बयान से माना जाए कि हाँ इस पर चर्चा चल रही है अंदर खाने में सीएम बदलने को लेकर के? भारतीय संगठन की बात होती, संगठन बड़ा होता है। इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि अंदर खाने बात चल रही है नहीं चल रही है। केजरीवाल क्या कहते हैं वो उनकी अपनी, इशारा आप दे रहे हैं चुनाव में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सी बातें की। सपा बसपा वालों की तरह इंडी गठबंधन वालों ने बहुत बहुत बड़ी बातें की जिसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा आने वाले समय। ठीक है, आनंद राय जी कुछ कह रहे हैं, आनंद राय जी की छोटी सी बात सुन लेते हैं उसके बाद समाप्ति की ओर चलते हैं। जी बोलिए। संविधान की किताब लेके समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग घूम रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो अयोध्या से श्री लल्लू सिंह आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने तो कहा 400 सीट हमको इसीलिए चाहिए कि हम संविधान खत्म कर सके। आपके साथ पिछड़े दलित क्यों जुड़ेंगे? उनके अधिकार मारने की आप बात करेंगे तो आपके साथ तो क्यों जाएंगे? अभी हमारे देवेंद्र सिंह एमएलसी स्नातक तो उन्होंने भी सवाल उठाया है। आपके जितने भी सहयोगी दल है वो भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो राजभर हो, तो वो सभी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि हवा दूसरी तरफ मुड़ चुकी है। अब भाजपा के साथ रहना खतरे से खाई नहीं है, अपनी साख बचाने के लिए वो लोग भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है, वो उनको पता है कि उन कार्यकर्ताओं की बात कहीं और किसी जिले में नहीं सुनी गई। ये माननीय अंसारी साहब भी जान रहे होंगे इस बात को। तो जब नहीं सुनी गई तो कार्यकर्ता क्यों घर से निकलेगा, आपकी क्यों मदद करेगा, वो क्यों अपने घर बुलडोजर चलवाएगा? अभी तो मैंने देखा कि एक मतलब एक 35 साल पुराना कार्यकर्ता उसके घर बुलडोजर चल गया। वो रो रहा था 35 साल से सेवा कर रहा हूँ, आरएसएस की सेवा कर रहा हूँ, बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ, उसे घर बुलडोजर चला दे रहा। पहले किसी को रहने का प्रबंध करिए, किसी को किस घटना है ये, किस जगह का मामला है ये, क्या जगह बताइए, किस जगह का मामला है ये? 35 साल पुराने कार्यकर्ता के यहाँ 35 साल भरे। अरे कौन मंडे नाला पुल के पास था? अभी अभी आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी बात जानकारी दुरुस्त करिए। अगर आप ये कहने लगे हैं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, 50 साल पुराना हूँ, राहुल जी ने मुझे गले लगाया हूँ, अंसारी साहब आप कार्यकर्ता आप खुश हैं क्या? मैं बहुत खुश हूँ, कोई देश में देश हित की बात करने वाली कोई तो पार्टी है। चलिए ठीक है। अनीश जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अनबन चल रही, हलचल देखी जा रही है और इसका सीधा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को भी मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो ऐसे मौके का इंतजार ही करती है विपक्षी पार्टी। तो ऐसे में आपने एक मौका दे दिया है विपक्षी पार्टियों को कि हाँ वो आप पर सवाल उठाएं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जिस तरह से अनबन देखी जा रही है, बयानों के बयान जो पूरी बौछार लगती नजर आ रही है, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो विश्वास है उसकी बात करते नजर आ रहे हैं कार्य समिति की बैठक में, आपने देखा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बयान निकल कर आ रहे हैं तो ऐसे जो आशंकाएं हैं वो कहती नजर आ रही हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों में बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।